बालकों ने कवर्धा में हिंदी पखवाड़ा समारोह आयोजित किया। दो दिवसीय कार्यक्रम में हिंदी निबंध लेखन, चित्रकला स्पर्धा, वाद विवाद और अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित हुई। बड़ी संख्या में कवर्धा क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने आयोजन में भागीदारी की। संसदीय सचिव श्री मोतीराम चंद्रवंशी ने पुरस्कार वितरित किए। कवर्धा में बालको आयोजित हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किए। हिंदी भाषा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और सोच के भी लोग हिंदी ने ये कार्य कर दिखाया। इसी भाषा के माध्यम से हमारा देश एक हो पाया। पुरस्कार वितरण समारोह कवर्धा के वीर सावरकर भवन में आयोजित किया गया। समारोह स्थल पर चित्रकला स्पर्धा के विद्यार्थियों की कृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका बड़ी संख्या में नागरिकों ने अवलोकन किया। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव श्री मोतीराम चंद्रवंशी, कार्यक्रम अध्यक्ष कवर्धा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू, विशिष्ट अतिथि कवर्धा जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती देव कुमार चंद्रवंशी, गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री विपिन देशमुख, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सदस्य श्री गणेश शरण सोनिक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। कार्यक्रम में साहित्यकारों का सम्मान किया गया। श्री गणेश शरण सोनी, श्री नीरज मंजीत, श्री ब्रिज किशोर पांडे, श्री समय लाल साहू और श्री आदित्य श्रीवास्तव को अतिथियों ने सम्मानित किया। श्री मोतीराम चंद्रवंशी और डॉक्टर सियाराम साहू सहित सभी अतिथियों, छात्र छात्राओं और नागरिकों ने बालकों के आयोजन की खूब प्रशंसा की। सभी ने कहा कि ऐसा आयोजन कवर्धा में पहली बार हुआ, जिसमें कवर्धा क्षेत्र के सभी स्कूल शामिल हुए। अतिथियों ने बालकों के सामुदायिक विकास कार्यों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि स्थानीय प्रतिभाओं के विकास के लिए ऐसे आयोजन भविष्य में भी होंगे। कल मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां मैं अपनी प्रतिभा को निकाल सकूं। हम लोग कल निबंध में पार्टिसिपेट किए थे, वो बालको कंपनी की तरफ से था, तो बहुत अच्छा हुआ। हम लोग जो भूगोल में पढ़ते हैं उसी के बारे में हम लोग को लिखना था, ऑनर कुछ नया विषय था जो बहुत अच्छा लगा। बालको कंपनी द्वारा जो बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बच्चे लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिए, हिस्सा लिए। ये इनके द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, इसके पहले भी और कई बार नगर स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बच्चे भाग लिए। पिछले वर्ष भी मैं ले गया था बच्चों को साथ मिले रख के, लेकिन वहाँ ये जो व्यवस्था बालकों द्वारा दिया गया वो व्यवस्था शायद अभी तक के बच्चों को देखने में नहीं मिली। बच्चे वहां जा करके बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। बालको के दलदली बॉक्साइट खान प्रमुख श्री पंकज मोहंता ने स्वागत उद्बोधन में प्रतिभागियों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में कवर्धा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। बालको के कंपनी संवाद प्रबंधक श्री प्राणनाथ मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। बुदई दलदली बॉक्साइट खान के अधिकारियों कर्मचारियों ने आयोजन में सक्रिय योगदान दिया।